जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम रोज़ की अपडेट देते हैं। मेरा नाम मोहम्मद खावर है, पाकिस्तान मुल्तान से बिलोंग रखता हूँ, KFX अकेडमी का ऑनर हूँ। तो आज आज मेरी नज़र में ज़बरदस्त सेंटर थे वो GBP UST की है, ठीक है। तो आज उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाएगी। वैसे आज मैंने एक लेसन भी ड्रॉप करना है जो कि आप लोगों को देना है। तो ओवरऑल यही है कि अगर आप लोग इधर केयरफुली के साथ एक एहतियात के साथ वीडियो देखेंगे तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ब्रेकर, इधर मैं लिखा देता हूँ MSP ब्रेकर, ठीक है। ये हमारे पास ब्रेकर हो गया, तो ये स्ट्रक्चर है। तो अब अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, वीक की बात करूँ, तो मार्केट अपने डिसीजन पॉइंट से आ रही है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने रिटेस्ट करना था, रिटेस्ट करके वापस मार्केट आ रही है। उसके जो नेक्स्ट टारगेट है अपने मेरे माइंड के मुताबिक, तो वो वाला जो बनता है वो ये वाला है, यानी कि यहाँ तक पॉसिबल है, ठीक है। तो लेकिन देखें, अगर मैं यहाँ से रिवर्सल की बात करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक और डिसीजन पॉइंट भी अवेलेबल है। ये वाला मेरे पास डिसीजन पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाले डिसीजन पॉइंट की बात करता हूँ, तो मेरे पास ये वाला डिसीजन पॉइंट है, सही है। तो अब मार्केट यहाँ पे आई हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा हम छोटे से टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि मार्केट ने नेक्स्ट मूव क्या देनी है। वीक की हमारे पास ये मूव हुई है, ठीक है। वीक की अगर मैं अपडेट देखता हूँ, तो वीक में हमारे पास मार्केट को ऐसे मूव देने चाहिए, ठीक है। यानी कि वीक के मुताबिक हमारे पास ये रिटेस्टिंग पॉइंट है। तो अगर मैं माइनर ब्रेकआउट देखता हूँ, तो मेरा माइनर ब्रेकआउट ये खड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं कन्वर्ट करूँगा डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को मज़ीद कन्फर्मेशन करके सही तरह आप लोगों को अपडेट दे सकूँ। तो इसका छोटा सा अगर मैं स्मॉल ब्रेकर देखता हूँ, तो मेरे पास ये है अवेलेबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक और कलर यूज़ करके DP, ठीक है। ये डेली क्या वो है, यानी कि डिसीजन पॉइंट है, ठीक है। अब डेली का यहाँ पे मैं डिसीजन पॉइंट अपना दूसरा फाइंड करता हूँ, मेरे पास ये अवेलेबल है, ठीक है। ये डेली का दूसरा डिसीजन पॉइंट अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। यहाँ तक मार्केट में इनके पॉसिबल है। अब वीक में मेरे पास ये टारगेट था, डेली में मेरे पास ये है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ से मार्केट को वापस रिटेस्ट वापस डाउन आना चाहिए, यहाँ तक मैं लगा देता हूँ, ठीक है। सॉरी, सही है। यहाँ तक मेरे के अगर मैं अपने डेली टाइम फ्रेम में देखता हूँ, तो मेरे पास ये मूव नज़र आ रही है। यहाँ पे माइनर ब्रेकर है, यहाँ पे मेरा डिसीजन पॉइंट है। अब माइनर ब्रेकर हुआ, ब्रेकआउट हुआ, तो अब अपने मार्केट एक डिसीजन पॉइंट के ऊपर है। अगर आप लोग यहाँ से एंट्री लेना चाहते हैं, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन होगा कि आप यहाँ से एंट्री करेंगे, और आप लोगों का जो टारगेट रहेगा वही वाला रहेगा, ठीक है। ये डेली की कन्फर्मेशन है, यानी कि आप लोग अभी से एंट्री कर सकते हैं। आप लोगों को जो स्टॉप लॉस है 1:29800 रहेगा, यानी कि 100 पिप का स्टॉप लॉस है, और कम से कम 600 पिप की TP है, ठीक है। 1.66 रिस्क रिवार्ड है। तो अभी हम H4 में थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा मज़ीद कन्फर्मेशन हो जाए कि मार्केट में क्या होने वाला है। हमारे पास जो कलर ब्रेकआउट है वो ये वाला है, क्लियर ब्रेकआउट ये वाला है हमारे पास। और इसका जो डिसीजन पॉइंट मेरे पास अवेलेबल है वो ये वाला है, H4 का जो डिसीजन पॉइंट है वो ये वाला है। यहाँ से यहाँ तक लगा सकता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट, यहाँ ये वाला लेवल है, यहाँ पे सारी ये लिक्विडिटी खड़ी हुई है। तो यहाँ से मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करे, 1:30560 को रिटेस्ट करेगी। और इसका जो मैंने टारगेट H4 के मुताबिक मेरे माइंड में जो आ रहा है वो ये वाला है, ये वाला है 1:36, यानी कि 35800, 36800। अगर मैं D1 में देखता हूँ, तो फिर भी मेरा वही बनता है, देख लें, ठीक है। यहाँ से डेली में ये वाला बनता है, और अगर मैं H4 में देखता हूँ, तो मेरे पास सेम वही बनता है, ठीक है। थोड़ा सा जोन बड़ा हो जाता है, लेकिन कोई इशू नहीं है।
तो अगर मैं ओवरऑल इसकी बात करूँ जीबीपी यूएसडी की, तो फिर मार्केट को यहाँ से बाय जाना चाहिए, यहाँ से देखें मेरे पास जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये वाला रहेगा लो, और जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा। देख रहे हैं आज की जो अपडेट है जीबीपी यूएसडी की, वो ये वाली बनती है कि आप यहाँ से लोग बाय कर सकते हो। एक थोड़ी सी मूव रॉन्ग मूव दे के नीचे आ सकता है, लेकिन अगर डी वन में देखते हैं तो फिर मार्केट को हमें यहीं से रिवर्स होना चाहिए। तो अगर मेरा पर्सनली मशुरा लें तो फिर यहीं से आप लोग बाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट समटाइम्स ये होता है आजकल, वैसे भी मार्केट रेटर्स पूरा नहीं कर रही, तो यहाँ से आप लोग बाय कर सकते हो, इजीली आप बाय कर सकते हो। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस रहेगा ये लो वाला रहेगा, यानी कि आप लोगों का जो स्टॉप लॉस रहेगा 21,29,800 रहेगा, लेकिन टीपी आपका वही रहेगा 21,35,800। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जैसे भी है मैं अपडेट दूंगा, नेक्स्ट अपडेट के लिए वेट करें आप लोग। तो बाकी देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं। आज सेकंड है, मैंने एक और वीडियो ड्रॉप करनी है जो कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट के ऊपर है, जो हमारा फर्स्ट लेसन है। तो बाकी देखते हैं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।